सायराम स्वामी के चरण कमलों में हम सबका प्रणाम। मेरा नाम नरेंद्र भसीन है और मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की W1 समिति को बिलोंग करता हूँ। सेवा की बात करें तो स्वामी ने इसे सबसे उत्तम साधना का दर्जा दिया है। इन स्वामीज ओन वर्ड्स, हैंड्स दो सर्व आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे। इन शब्दों से पता चलता है कि सेवा का कितना महत्व है। गुरु नानक जी के शब्दों में कहा जाए तो सेवा करत होई निहकामी, निहकामी मीन्स डिजायरलेस, सेवा करत होई निहकामी तिसको होत परापत स्वामी। मेरी पहली सेवा सन 2005 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डाइट्री विंग में थी। वो सेवा थी दिन में 6 मील्स हार्ट के पेशेंट्स के वार्ड में सर्व करना। सेवा सुबह 5:45 से शुरू हो जाती थी और रात के 8 बजे तक चलती थी। बीच में ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट, लंच और टी ब्रेक्स होते थे। मुझे पुटापर्ती के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही स्वामी के बारे में मैं ज़्यादा जानता था, लेकिन वहाँ स्वामी की व्यवस्था देखकर और सेवा दल का काम देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। ये मेरा पहला हॉस्पिटल था जहाँ मैंने कोई कैश काउंटर नहीं देखा, और बाद में मैंने जाना कि वहाँ तो सारी ट्रीटमेंट ही फ्री है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मैं बड़ा हैरान था ये देख के, और सेवा दल की डेडिकेशन देख के तो और भी हैरान था। एक बुज़ुर्ग महिला, बुखार था उन्हें, लेकिन स्वेटर पहनकर बड़े बड़े बर्तन मांजे जा रही थी। ये सब देखकर मैंने भी उसी ही जोश से सेवा शुरू की। एक्चुअली सिर्फ सेवा नहीं थी, इट वॉज़ ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। और वो 7 दिन कैसे इतनी जल्दी बीत गए कि पता भी नहीं चला, और इसका रिवार्ड भी मुझे तभी के तभी इंस्टेंट मिल गया। जिस दिन मेरी सेवा समाप्त हुई और मैं अपना सामान लेकर जा रहा था, तो रास्ता जो है वो उस वार्ड की खिड़की से वो रास्ता नज़र आता है। सो आई वॉज वॉकिंग विद माई स्ट्रॉलर, तो एक बच्ची ने वार्ड की विंडो से मुझे देख लिया जाते हुए, और उसने ज़ोर से पूछा, अंकल आप जा रहे हैं? तो मैंने हाँ मैं जवाब दिया, तो उसने हाथ से इशारा किया कि रुकिए। मैं रुक गया, मैंने कहा पता नहीं शायद नीचे आके मिलना चाहती हैं मुझसे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वार्ड के जितने भी बच्चे थे वो सब बच्चे वहाँ विंडो पे आके इकट्ठे हो गए, एंड दे स्टार्टेड वेविंग एट मी। मुझे फेयरवेल दिया उन्होंने, एंड इट वॉज सो टचिंग, बिलीव मी। मैं जा रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो बच्चे मुझे तब तक हाथ हिलाते रहे, देखते रहे, जब तक कि मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो नज़ारा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। इस सेवा से मेरा टेक अवे क्या था? मेरा टेक अवे ये था कि मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं हर साल सेवा में आऊँगा, और जो स्वामी ने कहा है हेल्प एवर हर्ट नेवर, मेरे लिए एक गाइडिंग स्पिरिट बन चुका है। और मेरी सदा ये कोशिश रहती है कि मैं कभी भी सेवा से मुंह न मोड़ूं। बाद में मैं हर साल सेवा में जाता रहा, और भगवान ने मुझे प्रशांति निलयम के कई डिपार्टमेंट्स में सेवा दी, जैसे एक तरह से जैसे कि भगवान मुझे सारा वहाँ का सिस्टम दिखाना चाहते थे। और हर साल सेवा में
हमेशा आनंद ही आया है। वहाँ पे लोगों की डेडिकेशन देख के, लोगों की स्पिरिट देख के, सेवा की स्पिरिट देख के बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं अंत में मेरी भगवान से हाथ जोड़कर यही विनती है कि स्वामी मुझे सेवा से कभी दूर न करें। सायरा।